उत्तर भारत में गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। हम मध्य जून तक पहुंच गए हैं और बीच जून में गर्मी जानलेवा हो गई है। गर्मी से जहां एक तरफ लोग परेशान हैं, तो वहीं बढ़ती गर्मी और लू के कारण आग की घटनाओं में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। कहीं गाड़ियों में आग लग रही है, कहीं ओवरलोड की वजह से ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, तो कहीं समूचा घर ही आग के हवाले हो जा रहा है। ताजा मामला गाजियाबाद के लोनी बेहटा हाजीपुर गांव का है, जहां दो मंजिला घर आग के हवाले हो गया और घर में दो मासूम समेत पांच लोगों की मौत हो गई। दरअसल रात करीब 8 बजे घर में रहने वाली एक महिला दूध लेने के लिए बाहर गई थी। थोड़ी देर बाद लौटने पर देखा कि मकान को आग की लपटों ने घेर रखा है। आग बुझाने में जुटे आसपास के लोगों ने बताया कि मकान की पहली मंजिल पर कुछ मशीनें मरम्मत के लिए रखी गई थी, यहाँ पर कुछ सामान भी रखा गया था। सबसे पहले आग यहीं पर लगी। माना जा रहा है कि बिजली के किसी तार में शॉर्ट सर्किट हुआ था। लोगों को आग के बारे में तब पता चला जब आग दूसरी मंजिल तक पहुंच गई थी। आग लगने की वजह तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि वो जब घर से निकले थे तो दूध लेने के लिए, तब आग कुछ भी नहीं थी, बस वो 5 मिनट में पिछली गली से लौटे तो आग लग चुकी थी। शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। आग लग चुकी थी, नीचे बिटारा ब्रेजा गाड़ी खड़ी थी, उसने आग पकड़ ली तो आग ने भयानक रूप ले लिया। ये हमारा परिवार था, हम लोग बाहर थे और ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, और आग इतनी भयंकर थी कि मतलब नीचे से जो गाड़ियों में आग लगी, आग लगने के कारण जो धुआं ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वो सब लोग ममटी पे गए, वहाँ पर गेट बंद होने के कारण वो निकल नहीं पाए। घटना दुखद है, पूरा गांव पूरा क्षेत्र आहत है, इससे परेशान है, आदमी कुछ कह नहीं सकता, मन ही मन में रो रहा है अंदर। ये भी बताया, आपको बता दें कि आग लगी तो स्थानीय लोग पानी की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश में लगे, लेकिन आग का रूप बेहद भयावह था। लोगों से आग पर काबू ना हो सका तो देखते ही देखते आग फैलती चली गई, जिसके बाद दमकल विभाग को फोन किया गया, लेकिन दमकल की गाड़ियां आने से पहले आग ने विकराल रूप ले लिया था और आग की चपेट में पूरा घर आ गया था। इस दौरान धुएं का गुबार बढ़ा और कई लोग उसी में फंस गए और दम घुटने से दो बच्चे, दो महिलाओं समेत पांच लोगों की मौत हो गई। हम इनके पड़ोसी हैं। जब आग लगी 8:20 पे आग लगी है रात, तो मैं जब ही आ गया, मैंने देखा तो बहुत भयंकर आग लगी हुई थी नीचे। हमने फोन करा आग बुझाने वाली गाड़ी पे, उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर गाड़ी आई तो यहाँ एक बैरियर लगा रखा जाटों ने सेट्टी के यहाँ, तो फिर गाड़ी आई भी तो फिर वापसी चली गई। लोनी घूम के आई, 1.5 घंटे का टाइम लगा उन्हें। आग जब तक नीचे लग रही थी, 1 घंटा बाद ऊपर आई आग, और जो गाड़ी टाइम पे आ जाती तो ये जिंदगी बच जाती। रास्ता अवरुद्ध होने के कारण सूचना के करीब 2 घंटे बाद दमकल की गाड़ी आग लगने की जगह पर पहुंची। रास्ता बंद होने के कारण दमकल की गाड़ी को करीब 5 किलोमीटर घूम कर आना पड़ा, और जिस आग को आसानी से बुझाया जा सकता था, लेकिन दमकल की गाड़ी के देरी से पहुंचने की वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया और जान माल का नुकसान भी बढ़ा, और इसी का परिणाम ये है कि 5 लोगों की जान चली गई। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के बेहटा हाजीपुर में दिल दहला देने वाला मंजर देखने को मिला, जब एक मकान में आग लग गई और उस आग लगने से 5 जिंदगियां मौत के काल में समा गई। इस वक्त हम बेहटा हाजीपुर में मौजूद हैं और ये वो मकान है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जिसमें कल देर शाम आग लगी थी, और आग लगने के बाद मकान में 7 लोग मौजूद थे, जिनमें से 5 लोग आग के झुलसने से और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। पूरा मकान जल चुका है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। मैं अपने विजय से कहूँगा, यहाँ जो पीछे बाइक आग से जलकर राख हो गई हैं, उनको भी दिखाएं। 2 बाइक के अंदर मौजूद थी, वो जलकर राख हो गई थी। इसके अलावा जो घर के अंदर कार खड़ी हुई थी, वो भी जलकर राख हो गई। दरअसल एकाएक जो इनके टैंक थे, जिनमें पेट्रोल भरा हुआ था, उनमें ब्लास्ट हुआ और बहुत तेजी के साथ ये आग फैलती चली गई। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, लोनी बेहटा हाजीपुर गाँव।